नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज 12 जुलाई है और आज क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसा कि हम रोज कर रहे हैं। जिनको लाभ मिल रहा है वो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और लोग भी आपके दोस्त होंगे कई जो ये जानना चाहते होंगे कि आखिर हिंदू में क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, तो उनके साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना, कि आज का ये जो वीडियो है वो आ चुका है। तो चलते हैं अखबार की तरफ, है ना। आज जो न्यूज मैंने दी है वो है सेट अबू सलेम फ्री आफ्टर 25 ईयर्स इन जेल। जैसे अभी यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है, लाइफ सेंटेंस, है ना। लाइफ सेंटेंस जो है वो क्या होता है, लाइफ टर्म क्या होता है, आजीवन कारावास क्या होता है। तो कहीं पे 14 साल माना जाता है, कहीं पे ये माना जाता है। तो एक जो टर्म है 25 साल की एज, उसे एक लाइफ टर्म माना जाता है। पीरियड टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम हिज डिटेंशन इन अक्टूबर 2005 to 25। तो ये समझिए कि 2005 में उसे गिरफ्तार किया गया था, वहाँ से काउंट करेंगे, तो मतलब कि ये 2027 तक छूट जाएंगे। तो क्या ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए 25 साल बाद? क्या ऐसे लोगों को एक निश्चित कारावास मिलना चाहिए? जैसे अभी हमारे राजीव गांधी के जो हत्यारे थे उनके बारे में भी आपने चर्चा सुनी होगी। तो क्या आपको लगता है, एक बहस हो सकती है, एक इससे का मुद्दा हो सकता है, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति 20 या 25 साल जेल में रहता है तो वह निर्दोष हो जाता है, या उसके गुनाह करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं? इस पे सवाल पूछा जा सकता है। तो आप इसके पहलुओं को देखिए और आप इसके पहलुओं को जांचिए, क्योंकि यहाँ से सवाल मेंस में भी और प्री में, सॉरी मेंस में भी और ऐसे राइटिंग में दोनों से पूछा जा सकता है। जो इसके बाद है वो है नीड सिस्टम टू आइडेंटिफाई इलीगल लोन एप्स। आपने देखा होगा कि अभी कई प्रकार के लोन ऐप आ गए हैं, है ना, या कई प्रकार के ऐसे कॉल भी आते होंगे आपको जो ये कहते हैं कि आप उधार ले सकते हो, आपके क्रेडिट स्कोर इतना हो गया है, आप इतना पैसा ले सकते हो, है ना। तो इस तरीके से वो करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है, मतलब इस तरीके की बातें क्यों की जा रही है कि हम आइडेंटिफाई करें और उसको फिर बंद करें, क्या कारण है? तो जो लोन ऐप है ना, वो क्या करते हैं कि आपको लोन, पहले आपने ये सुना होगा कि कुछ क्या बोले उसको, महाजन होते थे, उनसे हम ले लेते थे कुछ पैसे और उनके बदले में वो काफ़ी इंटरेस्ट चार्ज करते थे। इसी प्रकार से ये कई जो लोन ऐप हैं वो कई तरीके के आरबीआई की गाइडलाइन को वायलेट करते हैं, वायलेशन करते हैं उनका, है ना, और लोन देते हैं और लोन देने के बाद कई तरीके से वसूलना शुरू करते हैं, कई तरीक़े अपनाते हैं, बाउंसर रखते हैं, गाली देते हैं, या फिर जिसके कारण कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, ये इस तरीके से तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। गवर्नमेंट कई बार गाइडलाइन जारी करती है, सूचना जारी करती है, जागरूकता फैलाती है कि आप इस तरीके के जो लोन ऐप हैं या इस तरीके के लोन देने वाले हैं उनके चक्करों में ना फंसे। ये फ्रॉड भी होता है, दूसरी बात ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूलते हैं और बहुत सारी चीज़ें मतलब इलीगल तरीके से। तो इसलिए यहाँ पे बात की गई है कि नीड सिस्टम टू आइडेंटिफाई इलीगल लोन ऐप्स, है ना। तो हमें एक प्रणाली ऐसी चाहिए, एक सिस्टम ऐसा चाहिए जो आइडेंटिफाई कर सके इलीगल लोन ऐप्स को और उसे बंद करवा सके, है ना। ठीक है, अब चूंकि गूगल ऐप गूगल प्ले स्टोर में होता है तो पता ही नहीं चलता कि हाँ ये तो लगता है गूगल प्ले स्टोर में है तो सही होगा, तो इसके कारण से डाउनलोड कर लेते हैं। और कई ऐसे आज भी हम जानते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी है या साइबर जो एजुकेशन है वो 90% लोगों के पास नहीं है ना। वो स्मार्टफोन तो रखते हैं पर उसका उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसे जानते ही नहीं हैं कि किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, कौन सी चीज़ हमें नुकसान दे सकती है, यहाँ तक कि अपने यूपीआई ट्रांजेक्शन्स या यूपीआई जो पासवर्ड होता है, ओटीपी होता है, या जो 4 अंकों का पिन होता है ना, जिससे आप ओपन करते हो, वो भी
कहीं ना कहीं ये आसानी से दे देते हैं, और जब ये ठगे जाते हैं तो फिर इन्हें पता चलता है कि हम ने ये गलती कर दी है ना। तो इसी तरीके से लोन वाले भी हैं, कई तरीके से लोन लेते हैं, ज़रूरत होती है और फिर वो ठगा हुआ महसूस करते हैं या फिर बहुत दिक्कत में महसूस करते हैं, है ना। फार अपार्ट अगला जो है, फार अपार्ट है ना, और इसमें G20 में जो बात हुई है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर है ना, और काउंटर पार्ट जो वांगी हैं उनके बीच में जो बात हुई थी LAC और दलाई लामा के, उसी के बारे में डिटेल दिया गया है। तो आप एडिटोरियल ज़रूर पढ़ें इस तरीके के, कि ताकि उसमें एक कंसेप्ट क्लियर हो कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं या किस तरीके की चीज़ें बताना चाहते हैं। इसके बाद है द स्कैम फॉल्ट लाइन इज़ डैमेजिंग इंडियन बैंकिंग, है ना। तो यहाँ पे जो स्कैम किया जा रहा है या जो लोन लिए जा रहे हैं, इनमें DHFL की बात की गई है, माल्या की बात की गई है, ABG शिपयार्ड की बात की गई है, कितने कितने लोन लेते हैं और ये स्कैम कर देते हैं, तो हमारे बैंकिंग सिस्टम को ये पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। और इसी पे कई उदाहरण दिए गए हैं विजय माल्या वगैरह वगैरह के। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन 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 लोगों ने या किन किन कंपनियों ने ऐसा लिया है और इन्होंने क्या फ्रॉड किया है, और इनको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए या क्या उपाय हैं हमारे पास, इनको आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। NPA क्या होता है तो इसके बारे में भी देख सकते हैं। तो इसे आप देख के, और आखिर क्यों लोन देने पे मजबूर हो जाती हैं कंपनियां, क्या ये साठगांठ होती है, जैसे आपने देखा होगा वीडियोकॉन के लिए चंदा कोचर को दोषी ठहराया गया था, ICICI के बैंक के हेड को। तो इस तरीके से कैसे किया जाता है, क्या ये साठगांठ है, क्या ये गवर्नमेंट का दबाव होता है, क्या ये गवर्नमेंट ऑफिशियल का दबाव होता है या नेताओं का दबाव होता है, या किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं, इसके बारे में भी आप यहाँ से यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं, फिर उसके बारे में सोच सकते हैं, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बने, एक अवधारणा बने आपके में, है ना। इसके बाद जो है द कंप्रिहेंडिंग पब्लिक हेल्थ, है ना, कंप्रिहेंडिंग पब्लिक हेल्थ, तो जो विथ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन तमिलनाडु हैज बिकम ए नेशनल लीडर और डिजीज प्रिवेंशन। तो तमिलनाडु का एक उदाहरण देते हुए बात की गई है कि वो कैसे जो है नेशनल लीडर बन गया, राष्ट्रीय मतलब उभरा हुआ है, सबसे ऊपर उभरा हुआ है हेल्थ सिस्टम में। तो एक केस स्टडी के रूप में इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वो शुरुआत से बताया गया है कि किस तरीके से शुरुआत से चली बातें चली थी और आज हम किस जगह पे तमिलनाडु पहुंचा हुआ है, और इसके पीछे क्या कारण है, किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया गया है और कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर या कौन से नियमों को अपनाया गया है या कौन सा ऐसा तकनीक अपनाया गया है कि वो आज राष्ट्रीय स्तर पे सबसे आगे है, तो इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो है द सर्च फॉर डार्क मैटर, है ना। डार्क मैटर जो है अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि वो 75% या जो मतलब हम लोग ये देखते हैं, कि मैं बहुत पहले से कहता रहा हूँ कि जो आप देख रहे हो वो सिर्फ 4% है, इन लोगों ने 5% कर दिया है, मैंने 1% कम कहा था। जो आप देख रहे हो वो सिर्फ 4% है या 5% है, बाकी 95% को आप देख ही नहीं पाते हो, और इसी की खोज की जा रही है, इसे डार्क मैटर के नाम से जानते हैं। तो डार्क मैटर आखिर है क्या, इसे कैसे खोजा जा सकता है, आप ये समझो कि जो अभी जैसे आपने सुना होगा, एक वाक्य सुना होगा, जब विज्ञान पढ़ते हैं तो शुरुआती स्तर पे ही हमें बताया जाता है कि हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो हमें अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला दिखाई पड़ता है, बिल्कुल काला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी इसी को सर्च कर रहे हैं वैज्ञानिक कि ये डार्क मैटर है क्या, और मतलब ये क्यों इतना इल्यूजन वाला है या क्यों इतना मतलब हम क्यों नहीं जान पा रहे हैं, तो इससे सर्च करने दीजिए, अभी जब मिलेगा तो हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद है द न्यू गाइडलाइन टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, है ना। आपने देखा होगा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, मतलब और उसके लिए कई तरीके थे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब इस तरीके की बातें कि जो सर्विस चार्ज हैं या मतलब कुछ चीज़ें चार्ज कर रहे हैं,
या जैसे कहीं पे हम ठंडे पानी का बोतल लेते हैं, जैसे IRCTC से एक बोतल मैंने पानी लिया, उसके लिए वो 20 रुपया चार्ज करता है, जबकि बोतल में लिखा हुआ है कि 15 रुपया चार्ज करना है। अब उसे जब कहा गया तो वो कहा गया कि नहीं, हम ठंडा करके लाते हैं, तो ये 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेज है, जबकि ऐसा नहीं कर सकता, वो 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं देने हैं, 15 रुपया ही देना है। तो इसे कैसे रोका जाए, या इस तरीके की चीज़ों को कैसे रोका जाए, इसी के बारे में, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं, आप गांव आदि देहात में कभी गए होंगे या छोटे छोटे गांवों में गए होंगे, कभी सफ़र करते हुए गए होंगे, तो यदि 35 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है तो उसे 40 रुपये या 45 रुपये का वसूला जाता है। तो आप यदि पूछेंगे कि आप क्यों इतना वसूल रहे हैं, तो वो कहेंगे कि इसे ठंडा करने का पैसा ले रहे हैं। दूसरी बात ये कहेंगे कि आपको हम यहाँ पे पहुँच मिल रहा है, ये कम बड़ी बात है, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो नहीं लीजिए। इसी को, इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए, इसके लिए एक बिल पेड करने के लिए कि आप बिल देंगे, जितना भी जो भी सामान लेंगे उसके लिए बिल देंगे, तो ये चीज़ों रोकने के लिए, इसके लिए गाइडलाइन की बात की जा रही है ना। इसके बाद जो है AI बेस्ड मंडारिन ट्रांसलेशन डिवाइस फॉर आर्मी, है ना, पेज नंबर 10 में है। तो क्या है कि जब हम LSC की बात करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो वहाँ पे मंदारिन जो भाषा है, चीनी भाषा, जिसे आप हिंदी मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि चीनी भाषा है, उससे समझने में हमारे जो आर्मी हैं के जवान हैं या आर्मी के सोल्जर हैं, उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो एक डिवाइस लाया गया है, AI बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, और ये क्या करता है कि मंदारिन को ट्रांसलेट कर देता है। तो इससे क्या होगा कि बहुत आसानी से हमारे जवान या हमारे जो लोग हैं उसे अभी रेडियो सिग्नल से ट्रैक कर पाते हैं उनकी बातों को, तो वो आसानी से समझ पाएंगे कि वो क्या आखिर बात कर रहे हैं और किस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत आसान होगा। इसे किसने बनाया है ये भी देख लीजिएगा, है ना, कॉग्नाइट करके कोई कंपनी है, कॉग्नाइट करके, तो वो उसने बनाया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और बहुत आसानी से इसे समझ सकते हैं, और ये सेना के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद है PM अनविल्स नेशनल एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, है ना, तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के आगे ही इसका नेशनल एम्बलम, जो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, उसका उद्घाटन किया गया है, और 9,500 kg का है। तो आपको ये देखना है कि ये इसका प्रयोग या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप CCRT की साइट है, वहाँ पे जाके एक बुक है, उसमें आप नेशनल एम्बलम के बारे में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है, वहाँ से जाके आप पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जब भी पूछेगा तो उसके बैक के बारे में पूछेगा, तो हम UPSC के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे पीछे जाके पूछिए। इंडिया सेट टू बीट चाइना इन पॉपुलेशन, UN रिपोर्ट, है ना, तो ये भी UN ने एक वो बताई कि अब जो है भारत जो है पॉपुलेशन में बीट कर देगा चीन को। और ये दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि ये मतलब एक तरीके से हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्यिकीय लाभांश भी है, और दूसरी बात ये भी है कि अभी बीट करते हैं तो हमें खाद्यान्न की आवश्यकता और बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की वो जो बढ़ेगी, है ना, ये चैलेंज है, चैलेंज हो जाएगा। तो इसके बारे में आप देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ने से क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, और हम इसे कैसे लेंगे, किस तरीके से लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे या नेगेटिव वे में लेंगे। क्योंकि हम अभी भी जान रहे हैं कि हमारी जो औसत उम्र है वो 30 साल से कम है, तो ये किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि उसे उसके पास एक श्रम रोजगार मतलब श्रम जो बल है वो उपलब्ध होता है, और उस देश की तरक्की के लिए बहुत फायदेमंद होता है ना। तो इसके बाद है कॉरपोरेट प्रॉफिट मार्जिन लाइकली डिप फॉर थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, तो कॉरपोरेट प्रॉफिट जो है वो नीचे गिर रहा है, तीसरे क्वार्टर तक नीचे गिरा है ना, और इसी के बारे में बात की गई है, तो आप इसे देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप कृषि जैसे रिसर्चर सेट किया मतलब कृषि ने कहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और साथ ही मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो पब्लिक हेल्थ के जो तमिलनाडु का सिस्टम है वो भारत के लिए किस प्रकार अनुकरणीय है, या ये कह सकते हैं कि क्या तमिलनाडु का जो स्वास्थ्य
ढांचा है वो पूरे भारत के लिए लागू किया जा सकता है, इस पर टिप्पणी करें, ठीक है? धन्यवाद।